हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राज, आप देख रहे हो आईटी स्मार्ट ट्रिक्स। तो आज मैं फिर से आया हूँ। तो फाइनली मैंने ये बोया कि M1 माइक खरीद ली और मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग करूँ, लेकिन नहीं, अनबॉक्सिंग मैंने नहीं किया, इसका मुझे पसंद नहीं आया इसकी अनबॉक्सिंग। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जो कंटेंट है मैंने उसे ही उठाता हूँ। तो मेरे पास एक कंटेंट था कि जैसा आपने देखा ही होगा, जैसा थंबनेल में लगा है कि 4 sub 4 और परमानेंट सब्सक्राइबर में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, तो इसे हम आज जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से तरीके से। आप ये वीडियो पूरी देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं 4 sub 4 और परमानेंट सब्सक्राइबर के बीच में। तो हम पहले दोनों को कंपेरिजन करेंगे दोनों के बीच की। तो पहले हम 4 sub 4 पे आते हैं और एक साइड 4 sub 4 को रखते हैं और एक साइड परमानेंट सब्सक्राइबर को रखते हैं। तो 4 sub 4 क्या होता है? 4 sub 4 होता है आपको जो सब्सक्राइबर दे, हम उसे कहते हैं 4 sub 4। जो आपको 4 सब्सक्राइबर दे, हम उसे 4 sub 4 कहते हैं। परमानेंट सब्सक्राइबर में क्या होता है? वो सब्सक्राइबर जो कि आपको व्यूज देते हैं, जिनको आपकी वीडियो पसंद आती है, जो कि आपकी वीडियो पे कमेंट करते हैं, आपकी वीडियो पे लाइक देते हैं और आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जब उन्हें पसंद आती है। तो 4 sub 4 में क्या होता है? आपकी चैनल पहले तो उन्हें पसंद नहीं आती, आपकी वीडियोज़ उन्हें पसंद नहीं आती, वो आपके चैनल पर लाइक नहीं करते, आपको कमेंट नहीं करते, लेकिन 4 sub 4 बस यही करते हैं, वो आपको सब्सक्राइबर देते हैं। 4 सब्सक्राइबर देने के बावजूद वो आपको कुछ नहीं करते, बस यही करते हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं करते, बस सब्सक्राइबर रिचार्ज देते हैं और वो कुछ नहीं देते। तो अभी हम आते हैं परमानेंट सब्सक्राइबर पे। परमानेंट सब्सक्राइबर में हमें फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे बहुत सारे हैं इसमें, जैसे कि आपको व्यूज़ आते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक भी आते हैं वीडियोज़ पे, वीडियो या डिसलाइक या लाइक जो आते, लेकिन आते दोनों हैं क्योंकि वो परमानेंट सब्सक्राइबर है। परमानेंट सब्सक्राइबर में क्या होता है? ऐसे सब्सक्राइबर जिनको आपकी वीडियो की ज़रूरत होती है, वही आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे आपकी जब भी आप अपनी वीडियो को पोस्ट करोगे तो आपकी वीडियोस पे अगर परमानेंट सब्सक्राइबर होंगे तो वो आपकी वीडियो 10 से 15 मिनट में अच्छी खासी व्यूज़ कमा लेगी, क्योंकि आपके चैनल पे अगर परमानेंट सब्सक्राइबर होंगे तब। लेकिन अगर आपके चैनल पे 4 sub 4 हैं, बस 4 sub 4 सब्सक्राइबर ही हैं, तो आपकी चैनल क्या होगी? जब भी आप वीडियो डालोगे तो आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद 10 घंटे बाद भी आपके चैनल पे 10 से 5 व्यू आएंगे, उसके 24 घंटे बाद आपके चैनल पे 12 व्यूज़, उसके बाद उसके अलावा आपके चैनल पे आना ही बंद हो जाएगा व्यूज़। यही होते हैं 4 sub 4 में, व्यूज़ नहीं आते, कमेंट नहीं आते, लाइक नहीं आते। परमानेंट सब्सक्राइबर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें सब कुछ आते हैं, व्यूज आते हैं, लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं। देखो, पर 4 sub 4 में क्या होता है? 4 sub 4 आप कहाँ से लाते हो? आप 4 sub 4 लाते हो फेसबुक पर से, फेसबुक से लाते हो या फिर यूट्यूब पे से ही लाते हो, जो कि आपको कोई बंदा कमेंट में आपके डाल देता है कि 4 sub 4 करोगे तो आप उसे बोल देते हो यस, और वो आपको 4 सब्सक्राइबर देता है, आप उसे 4 सब्सक्राइबर देते हो। अगर आप फेसबुक पे से लाते हो तो फेसबुक पे भी वही होता है, आप उसे 4 सब्सक्राइबर देते हो, वो आपको 4 सब्सक्राइबर देता है। लेकिन अगर आप खुद की मेहनत करोगे, अगर आप खुद से मेहनत करके बनाओगे, तो परमानेंट सब्सक्राइबर में आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलेंगे और आपको फुल इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहेंगे आपके। ये परमानेंट सब्सक्राइबर में बहुत ज़्यादा ही अच्छी बातें हैं बहुत सारी। 4 sub 4, तो 4 sub 4 में होता क्या है? ये बहुत ही घिनौना काम है पहले, तो ये काम अगर आप करते हो तो इससे बचो, ज़्यादा से ज़्यादा बचो, क्योंकि आपने उन्हें 4 सब्सक्राइबर दिए हैं, वो आपको 4 सब्सक्राइबर देंगे। और परमानेंट सब्सक्राइबर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बस आप कुछ नहीं करो, आप उन्हें 4 सब्सक्राइबर नहीं दो, वो आपको सब्सक्राइब करेंगे और आपके व्यूज़ बढ़ाएंगे, आपके चैनल पर लाइक और कमेंट करेंगे। ऐसा होता है परमानेंट सब्सक्राइबर में। मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियो में बताया, जैसा कि 4 sub 4 एक में मैंने बताया है कि 4 sub 4 होता क्या है, इसके लॉसेस क्या हैं, तो मैंने उसमें बताया था आपको, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने आई बटन में दे दिया है उसको, जो कि पहले ही बीत चुका होगा शायद, हाँ बीत चुका होगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हो, या तो मैं लास्ट में भी उस वीडियो को आपके स्क्रीन पर दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख पाओ। तो आते हैं हम आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है कि क्या हमें 4 sub 4 करना चाहिए? तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था, नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 sub 4 करने से बचो, जितना बच सकते हो उतना बचो 4 sub 4 से, क्योंकि ये आपको बस लॉसेस ही लॉसेस है, इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है भाई,
इसमें कोई प्रॉफिट बताओ आपको, बस आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो उनके भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जिनको आप सब्सक्राइबर दे रहे हो। आपके सब्सक्राइबर बढ़ने से आपको क्या होंगे, आपके बस 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, आपके वॉच टाइम पूरे नहीं होंगे कभी। वॉच टाइम समझ रहे हो कितनी है, वॉच टाइम है 4000 आवर्स का, यानी कि 4000 वॉच टाइम आपको आवर्स घंटा चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है भाई, ये स्मॉल सी अमाउंट नहीं है, 6-7 घंटे की बात नहीं है, ये है 4000 घंटे की बात, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट डालने पड़ते हैं, अच्छी अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे अच्छे तो छोड़ के चले जाते हैं बीच में कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे काम आपको नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको लगे रहना है, आपको लगे रहना है। आप जब तक उस मुकाम को छू नहीं पाओ, जब तक आपके 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे नहीं होते, तब तक आपको रुकना नहीं, आपको ग्रो करते रहना है। आपकी चंद ग्रो होगी, एक ना एक दिन होगी, लेकिन ज़रूर होगी। जैसा कि मैं कहता हूँ, अगर आप अपने पे भरोसा रखोगे तो आपकी चैनल ज़रूर ग्रो करेगी। एक ना एक दिन आपकी चैनल बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और आपकी चैनल छा जाएगी सारी जगह पे जाके। आपकी चैनल ट्रेंडिंग में आएगी, आपकी वीडियोस ट्रेंडिंग में आएगी, सभी आदमी आपके, सभी कोई आपके फैंस फॉलोअर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप जहाँ जाओगे आपके साथ सेल्फी लेने के लोग तरसेंगे यार। ऐसा करो, फोर्स ऑफ फोर मत करो, ऐसा करने से आपको भी बस लॉस होंगे। आप परमानेंट सब्सक्राइबर डालो, आप अच्छे अच्छे वीडियोस डालो, आपके परमानेंट सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। आप ऐसा थोड़ी ना है कि कभी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, हाँ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कैसी मेहनत कर रहे हो। आप अगर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपके सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक से बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप वही कम मेहनत कर रहे हो, आप फोर्स ऑफ फोर पे जा रहे हो, तो आपके सब्सक्राइबर तो वहीं रह गए, वॉच टाइम भी वहीं रह गया। सब्सक्राइबर बढ़ाने से बस आपके यूट्यूब से आपको मोनेटाइजेशन नहीं हो जाएगा, आपकी चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो पाएगी। बस सब्सक्राइबर बढ़ाने से आपको वॉच टाइम भी चाहिए होगा, और वॉच टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, थोड़ी सी वॉच टाइम नहीं है, वॉच टाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। इसलिए आपको वॉच टाइम पूरे करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको लगन से काम लेना पड़ेगा। और आप बोले तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बिल्कुल भी मतलब इस बीच में आपको कहीं लोभ नहीं करना कि YouTube पे पैसा मिलेगा वो मिलेगा, नहीं भाई, जब तक होगा नहीं तब तक तो कुछ मिलेगा नहीं। तब तक ये सोच हटा दो अपने दिमाग से कि YouTube पे मुझे पैसा भी मिलने वाला है। पैसे लेने के लिए अगर YouTube पे वीडियो बना रहे हो तो छोड़ दो, मत बनाओ। अगर आप नॉलेज दे रहे हो किसी को तो बनाओ वीडियो, तब चलेगी आपकी वीडियोस। अगर आप पैसे देने के लिए किसी को वीडियो बना रहे हो तो आपकी वीडियो बेकार है। आप अगर पैसे लोगे यूट्यूब पे, ये सोचिए वीडियो बना रहे हो कि मुझे वीडियो बनाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो बहुत आदमी सोचते हैं ऐसा। लेकिन भाई लोगों को एंटरटेन करो, क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, टेक में हो, रोस्टिंग में, जो भी जिसमें भी हो, कॉमेडियन हो, तो लोगों को एंटरटेन करो अपने आवाज़ से, अपने भेदभाव, अपने शरीर के बोलचाल से, और तब पैसे कमाओ, तब यू कैन, तब आप कर सकते हो, तब आप उस वो बोल सकते हो कि हाँ यूट्यूब पे पैसे कमाता हूँ मैं। लेकिन ऐसे बोलोगे ना यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई गलत है, ऐसा गलत है। आप लोगों को एंटरटेन करते हो, लोगों की आपकी वीडियो पसंद आती है, तब लोग आपकी वीडियो पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो ये तो आ गई बात अब फोर्स ऑफ फोर और परमानेंट सब्सक्राइबर की। बात तो इतनी थी कि परमानेंट सब्सक्राइबर वो होते हैं जो कि हमें व्यूज़ देते हैं, लाइक देते हैं, कमेंट देते हैं, और सब्सक्राइबर डेली बढ़ते रहते हैं जो कि परमानेंट सब्सक्राइबर हैं। लेकिन फोर्स ऑफ फोर में क्या होता है, ना ही व्यूज़ देते हैं, ना ही लाइक देते हैं, ना ही कमेंट देते हैं, और सब्सक्राइबर बस देते हैं, वो भी 4, ज़्यादा नहीं दे पाते। आप कितने फोर्स ऑफ फोर करोगे भाई, आप कितने फोर्स ऑफ फोर कर पाओगे, आप बताओ आप कितने फोर्स ऑफ फोर करोगे। लेकिन अगर आप वीडियो बनाओगे, आप भी तो वीडियो बना के ही फोर्स ऑफ फोर करोगे। आपकी चैनल अगर आपने अपने चैनल पे वीडियोस नहीं बनाए तो आपकी चैनल कहाँ दिखेगी, कहीं पे किसी को नहीं दिखने वाली। अगर आपको लगता है कि मैंने चैनल पे आपने एक भी वीडियो नहीं डाली, आपने चैनल बना लिया, आप चैनल के नाम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपकी अपनी चैनल नहीं मिलेगी कहीं, क्योंकि आपके चैनल पे वीडियो नहीं है। यूट्यूबर हर कोई यूट्यूबर नहीं बन जाता, यूट्यूबर हर कोई नहीं बनता, मेहनत करने पे ही आप यूट्यूबर बन सकते हो। अगर आपको लगता है मैंने चैनल खोल ली तो मैं यूट्यूबर बन गया, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपको लग रहा है कि मैंने चैनल खोल लिया मैं यूट्यूबर बन गया, तो आप गलत हो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता, उतनी मेहनत सब कोई नहीं कर सकता जितनी मेहनत यूट्यूबर एक करता है। तो ये परमानेंट सब्सक्राइबर और फोर्स ऑफ फोर के बीच में इतनी डिफरेंस थी। तो आगे की वीडियो में जल्दी डालने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और लाइक बटन दबा दो। बेल आइकन दबाने से होगा क्या, आपके चैनल पे जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगी और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी और आपके स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे आ जाएगी मेरी वीडियो, वहाँ पे आ जाएगी, आप क्लिक करो वहाँ पे, आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक नहीं किया तो कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पे लेटेस्ट वीडियोस मेरी सबसे पहले आती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।